सर लेफ्ट में होने के बाद सबने लूप लपेटा बोला है एक बार। हाँ सर यहाँ पे नेटफ्लिक्स लूप तो भी हमारा वो भी बोलना थोड़ा थैंक यू अतुल चाहे अतुल चाहे जरा इतने पंपामा ना मिनट अपनी जाना एक मिनट सर एक मिनट सामान जा रहा है मैम लेफ्ट में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अभी हल्का चल रहा है यहाँ पे लेफ्ट में यामी जी मेरे को यामी जी यामी जी राइट थर्ड थर्ड लेफ्ट लेफ्ट मेरे सामने आपके लेफ्ट में यहाँ पे इधर यामी जी आई सी मच कीप इट थोड़ा सा लेफ्ट आपके मैडम सेंटर मैम सेंटर मैडम जी यहाँ पे देखिए मैम सेंटर देखिए क्या बोला उसकी तरफ पूछो भाई मैंने क्या बोला 12 बजे पहला देख क्या है लेफ्ट में सर यहाँ पर feels very special, feels good, feels happy when everything that you've put in, it all feels worth in the end. Finally, of course, it's all up to you. The audience is up to you guys. But so far, whoever, the kind of reactions we are getting, I don't want to say too much. भाई पीछे से move मत कर भाई इधर camera है। जिन्होंने movie देखी like pressure हुआ जनरल room बंद रहता है क्या? ये भाई हिलाना मत दे भाई। और अभी आपके सब friends और family member भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे जब इस तरीके से सराहना मिलती है? बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आई थिंक जब सब एक फिल्म के पीछे 100 से ऊपर लोगों की मेहनत होती है शुरुआत होती है एक छोटे से एक आइडिया से उसे इसकी कहानी बनती है फिर डायरेक्शन एंड समवन टू पैकेज एंड आपका पूरा क्रू दिस इज़ अ फिल्म जहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट विल स्टैंड आउट एंड चाहे क्रिएटिव हो या टेक्निकल हो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक आपके दिल को छुएगी जो कहना चाहती है बात आई थिंक वो पहुँचेगी आगे का भी क्या मैं जानना चाहूँगी ऑडियंस से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं ऑडियंस बहुत काइंड है हमारी ऑडियंस बहुत काइंड है बहुत जल्दी दिल की बात गाना बूम सही करने थैंक यू सो मच एंड आई रियली होप दैट आप भी देखें आप लोग बहुत बिजी रहते हैं स्पेशली आप लोग प्लीज वॉच थैंक यू प्लीज कम काफ़ी दिनों के बाद कोई रिलीज है और लोग कुछ नया काम देखेंगे नई कहानी देखेंगे और थर्सडे एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि सिर्फ थ्रिलर नहीं है बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो काफ़ी उत्सुकता है देखने की कि लोगों को कैसे यहाँ पे क्या होता है नहीं चाहता ही नहीं वो पूरा चेहरा इधर है नहीं पूरा लुक सर मजा
सर लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट में सर लेफ्ट में मीडिया बाइक्स एक मिनट सर आई एम वेरी एक्साइटेड दिस एंड द ट्रेलर जो था वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगा मुझे एंड सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म इट्स लुकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट जैसा कि आपने बोला कि ट्रेलर माइंड ब्लोइंग लगा क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से देखने से पहले आई थिंक मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मूवी से ट्रेलर भी वही बताता है कि यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मूवी सो थैंक यू सो मच मैम लेप में लेप में मैम लेप में लेप में मैडम मैम यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट मैम यहाँ पर मैम इधर 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 और आपके फैंस जो है वो मतलब सभी से वेट कर रहे थे और आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स सभी देखने आए हैं क्या कुछ बताना चाहिए बहुत अच्छा लग रहा है आई थिंक हम सब इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और लोग आए हमारी फिल्म देखें उसे सराए और सबसे ज़रूरी ये बात है कि अब स्क्रीनिंग हो रही है पहली बार लोग देख रहे हैं तो देखते हैं इसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन ओके जब जो आपने कैरेक्टर निभाया उस टाइम आप प्रेग्नेंट भी थी तो कितना डिफिकल्ट रहा शूटिंग के दौरान आपके लिए आई थिंक डिफिकल्ट जितना भी रहा आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे थे हम कि यू नो इट्स ओके चाहे वो रियल लाइफ में कॉप्स हो वो भी प्रेग्नेंट होते हैं और काम करते हैं और यू नो रियल लाइफ में अगर हमको भी एज एक्ट्रेसेस आगे जाके यू नो अपनी फैमिली ग्रो करनी है या पर्सनल एस्पिरेशंस रखनी है सो वी ओके वी कैन गो टू वर्क ज़रूरी नहीं है कि हमें सबैटिकल लेना है या कम बैक्स की वेट करनी है वी कैन कंटिन्यू वर्किंग एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें जो होती है वो अपने आप सोचने पर नहीं होती है व्हेन यू गेट सपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स लाइक रॉनी स्क्रूवाला एंड डायरेक्टर लाइक मैसाद दैट्स ओनली द टाइम यू कैन गो अहेड एंड डू इट मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बताना चाहेंगी जिस तरह से फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होगी इस मूवी से फैंस के मतलब वेल आई एम जस्ट होपिंग दैट एक मैसेज जो है फिल्म में स्ट्रॉन्ग हो एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने खुद देखा है मुझे पता है कि ये फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है थैंक यू लेप में मैडम Thank you. Hold on.
जानना चाहूंगी कि क्या कुछ एक्साइटमेंट है मूवी से। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या होता है, माया बताओ, स्पॉइलर दो। ट्रेलर तो मतलब थैंक यू मैम। सर 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 लेफ्ट में क्या सर यहाँ पर सर सेंटर सेंटर सर यहाँ पर पैसा खंबाटा एक्चुअली जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिस गाइज आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल एवर वेरी इंटेलेक्चुअल वेरी इंटेलेक्चुअल अच्छा काम करते हैं। बैजाज के साथ एक्चुअली जो तीसरी फिल्म है ये सो वेरी वेरी हैप्पी कॉल्स मी अगेन सच गुड पार्ट्स फैंस को बेसब्री से इंतजार था। सो फैंस से कितना एक्सपेक्टेशन होगा इस मूवी को लेकर? मुझसे एक्सपेक्टेशन होता है एंड मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन होती है बस प्यार देते रहे। अतुल सर अतुल सर एक अरे यही तो कास्ट है, अभी कास्ट मिला सेंटर 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 एक लास्ट हो गया। मैडम जी एक लास्ट थैंक यू। अरे लास्ट अरे सर अमित जी अच्छा हाँ ये तीनों जन आइए सर मैम थैंक यू सर लेफ्ट में सर यहाँ पे सर यहाँ पे यहाँ पे सर सेंटर सर एक मारा सर यहाँ यहाँ पे सर सर मीडिया भाई सर यहाँ पे सामने सर सेंटर